हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड को हम लोग क्या करेंगे के थ्रू हम लोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2010 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्वर्स निकालेंगे किसका, मैट्रिक्स ऑफ ए का। इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, क्या मानेंगे हम लोग, लेट हम लोग ए मानते हैं। किस मैट्रिक्स को, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग ए मान लेते हैं। कुछ इस प्रकार से कितना है, 1 1 -2, कितना 1 3 -4, 3 -3 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ भी आपको माइनस है दोस्तों, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग कंसीडर क्या करके चलेंगे, कंसीडर करेंगे हम लोग, मतलब मान के चलेंगे क्या कि ए इक्वल टू आई ए है, ठीक है। तो देखो ये आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम लोग आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या होता है, कोई भी चेंजेज नहीं होता है, ठीक। तो देखो हम लोग बेसिकली इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, जो हमारा ए मैट्रिक्स है, चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। जो हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स कितना है, 1 1 -2 1 3 -4, कितना है 3 -3 -4, कुछ इतना है। उसके बाद क्या है, इक्वल टू आई है। आई क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा पास। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग ए जो लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। क्या करेंगे, टू रिड्यूस एलएचएस टू ए यूनिट मैट्रिक्स। मतलब ये जो वाला मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे से इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब इस तरह का मैट्रिक्स बनाएंगे इधर, ठीक है। तो चलिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ये जो एलिमेंट है ये, इसको और इसको आपको जीरो बनाना पड़ता है। उसके बाद आप इसको जीरो बनाओगे, उसके बाद ये दोनों को जीरो बनाना है, उसके बाद इसको जीरो बनाना है, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्रक्रिया है ये करने का, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग ऑपरेशन कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब यदि आप ऑपरेशन लगाते हो जीरो करने के लिए किसी भी एलिमेंट को, तो जैसे कि ये आर टू का एलिमेंट है, यदि आप आर टू में आप क्या करोगे, इस एलिमेंट को यदि आप जीरो बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, जो आर टू है माइनस, डायरेक्ट करोगे तो आर टू माइनस आर वन करोगे तो यहाँ तो जीरो डायरेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन जो तरीका है, अप्रोच है, मैं वो बताने का कोशिश करता हूँ कि यदि दूसरे क्वेश्चन में भी मिल जाए तो आप बना लोगे। तो देखो आर टू को जब आप जीरो करना चाहते हो तो आर टू लिखना, फिर आर टू की जगह जो कंपोनेंट है कितना है, वन है, एलिमेंट है आपके वन है, वन लिखना। किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, आर वन के कंपेरिजन में करना है, ठीक है। इन दोनों को जीरो किसके कंपेरिजन में करना है, आर वन के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे लिखना आपको आर वन डिवाइड बाय आर वन का जो एलिमेंट है, वन है तो वन, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, आर टू इक्वल टू आ जाएगा आर टू माइनस आर वन आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, सिंपली हम लोग क्या लगाएंगे, आर टू इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, ठीक है। उसी तरह से जब हम इसको जीरो करेंगे, आर थ्री रो को जब हम लोग जीरो करेंगे तो क्या लगाएंगे, मैं आपको क्या बताया था, जब आप आर थ्री को जीरो करोगे तो क्या करोगे, आप आर थ्री का मान कितना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आर थ्री लिखना है, उसके बाद फिर माइनस करना है। आर थ्री का मान कितना है, माइनस टू, तो आपको यहाँ पे लिखना है माइनस टू, ठीक है। किसके कंपेरिजन में करना, आर वन के कंपेरिजन में, तो आपको लिखना है यहाँ पे आर वन डिवाइड बाय आर वन का एलिमेंट कितना है, वन है, तो आपको वन करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर थ्री प्लस टू आर वन, यही आ जाएगा। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आर थ्री इक्वल टू हमारे पास क्या लगाएंगे ऑपरेशन, आर थ्री प्लस टू आर वन, ठीक है। इतना तक तो आपने क्या हुआ, जान लिया, ठीक। उसके बाद चलिए ऑपरेशन लगा, तो हमारा जो है फर्स्ट रो में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट का हमारा एलिमेंट कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हमने जो फर्स्ट एलिमेंट का जो भी एलिमेंट है मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर टू में चेंज होगा, तो आर टू क्या कह रहा है कि आर टू माइनस आर वन करना है, आर टू को, तो आर टू माइनस आर वन करो, एक में एक गया क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीन में एक घटाएंगे कितना हो जाएगा, दो बचेगा। माइनस तीन में माइनस तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस तीन है यहाँ पे, फिर घटा करेंगे माइनस तीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस छः हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस दो है ना,
तो ये आर थ्री है, आर थ्री को क्या करना है, आर थ्री प्लस टू आर वन करना है। तो आर थ्री का मान कितना, देखो माइनस टू है, आर थ्री का मान कितना है माइनस टू है ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस टू इंटू आर वन का मान कितना है वन। यदि इस वन को टू से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो देख सकते हो यही दो पहले एलिमेंट जीरो हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे करो माइनस फोर है, माइनस फोर प्लस टू इंटू आर वन का भी मान कितना है वहाँ पे वन है। तो कोई क्या कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा माइनस फोर प्लस टू कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखो कितना है माइनस फोर है तो आपको माइनस फोर करना है, फिर प्लस लेना है प्लस टू इंटू आर वन, आर वन का मान कितना है यहाँ पे देखो थ्री है तो इंटू थ्री करो कितना हो जाएगा माइनस फोर प्लस सिक्स कितना हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्लस टू हो गया। ठीक उसके बाद बराबर है तो बराबर, तो देखो इसका भी जो हमारा रो वन है वो हमारा सेम ही रहेगा वन जीरो जीरो। अब रो टू में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे आर टू माइनस आर वन करेंगे, जीरो माइनस एक क्या जाएगा माइनस एक हो जाएगा, और एक माइनस जीरो जीरो हो जाए, एक माइनस जीरो एक ही होगा, जीरो माइनस जीरो जीरो ही होगा। अब यहाँ पे देखो आर थ्री में क्या चेंज करना है कि आर थ्री प्लस, आर थ्री कितना है जीरो प्लस टू इंटू आर वन, आर वन का मान कितना है वन, तो यहाँ पे दो हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर थ्री है तो क्या हो जाएगा आर थ्री का मान कितना है वन, वन प्लस टू इंटू आर वन का मान कितना है जीरो, तो यहाँ से इसका मान कितना निकल जाएगा वन निकल जाएगा, तो आपको यहाँ पे वन लिख देना है। ठीक है उसके बाद क्या है ए बचा हुआ है आपको, तो ये लिखना है। ठीक है ये हमारा रफ हो रहा है, ठीक है ये हमारा क्या हो रहा है रफ हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे देखो, अब सिंपली यहाँ पे देखो इसको जीरो करना है, इसको जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यदि आप रो आप थ्री को जीरो करना चाहते हो तो क्या लिख करोगे रो थ्री यदि प्लस रो टू कर दोगे, इस रो में इस रो को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना। तो चलो हम लोग जीरो बनाते हैं इसको पहले, तो क्या करेंगे जो हमारा फर्स्ट रो जो है कोई चेंज नहीं हुआ, वन वन थ्री रहेगा, यहाँ पे क्या है जीरो टू माइनस सिक्स रहेगा। अब घटाओ आर थ्री को क्या बनाना है, आर थ्री प्लस आर टू, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही रह गया, दो माइनस दो प्लस दो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर दो क्या हो जाएगा दो प्लस माइनस छः हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस आपके पास चार हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इधर करो, फर्स्ट और सेकंड रो में कुछ नहीं होगा चेंज, वन जीरो जीरो माइनस वन वन जीरो, और देखो इसमें क्या करेंगे आर थ्री में क्या हो जाएगा आर थ्री प्लस आर टू, तो आर थ्री का एलिमेंट ये है आर टू का एलिमेंट ये है, तो करो दो प्लस एक, ये लेकिन यहाँ चीन माइनस है तो दो माइनस एक हो जाएगा कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा आर थ्री प्लस आर टू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, उसके बाद वन प्लस जीरो वन हो जाएगा यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है तो देख सकते हो आपका जो पहला कार्यक्रम है वो आपका हो गया, मतलब देख सकते हो ये तीनों आपका एलिमेंट जीरो हो गया। अब क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट को आपको क्या करना है जीरो करना है। तो चलिए हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे ये जो R1 है इसको हम लोग को जीरो करना है इस एलिमेंट को, तो हम लोग R1 से का ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है ना, तो चाहे दोस्तों पहले आप इसको जीरो बना लो, नहीं तो आप क्या करो सबसे पहले इस डायगोनल में देख सकते हो यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे क्या है माइनस फोर है, तो सबसे पहले क्या करो इन दोनों एलिमेंट को आप वन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वन ही बना लेते हैं। तो ये आर टू है, आर टू को वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर टू को यहाँ पे वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आर टू डिवाइड बाय हमको क्या करना पड़ेगा टू करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको जब हम लोग क्या करेंगे वन बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा आर थ्री, आर थ्री में यदि हम लोग क्या करेंगे आर थ्री डिवाइड बाय माइनस फोर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा वन बन जाएगा। ठीक है तो चलो सबसे पहले हम लोग यही कर लेते हैं, तो आर वन में कोई चेंजेस नहीं होगा, आर टू में क्या करना है दो से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस सिक्स, यहाँ पे फिर क्या करना है माइनस फोर से डिवाइड करना है, तो माइनस फोर से जब डिवाइड करेंगे कुछ नहीं जीरो ही होगा, यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास वन हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए इधर हम लोग जो काम किए उसी तरह से ब्रैकेट के इस पार भी करेंगे, तो आर वन में कोई चेंजेस नहीं होगा, आर वन में क्या है वन जीरो जीरो है, यहाँ पे क्या है टू से डिवाइड करो रो टू को कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे वन बाई टू होगा, यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस फोर से डिवाइड करना है आर थ्री को तो कितना हो जाएगा माइनस वन बाय फोर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस वन बाय फोर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वन बाय फोर, यहाँ भी माइनस वन बाय फोर हो जाएगा। ठीक है कुछ इस प्रकार से।
अब देखो अब ऑपरेशन लगाने में मजा आएगा, तुरंत तुरंत हो जाएगा, क्योंकि जब जो एलिमेंट था बड़ा वाला उसको हम लोग क्या कर दिए, छोटा छोटा कर दिए, ठीक है। अभी तुरंत तुरंत हमारा क्या लग जाएगा, ऑपरेशन लग जाएगा। तो देखो अब हम लोग इन दोनों को जीरो करना है, इन दोनों को जीरो बनाना किसके, आर थ्री के कंपेरिजन में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आर वन को जीरो बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आर वन माइनस, आपको मैं बता दिया था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कैसे करेंगे, आर वन माइनस क्या करेंगे, थ्री आर थ्री करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, आर टू को जीरो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, आर टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस थ्री आर वन आर थ्री, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अब ये हमारा दोनों एलिमेंट जीरो बन जाएगा। मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ऑपरेशन यहीं पे कर लूंगा, दूसरा ऑपरेशन हम लोग दूसरा नहीं, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं कुछ इस प्रकार से मैं दूसरा पेज में भी मैं यहाँ पे लिख लिया इसको। अब चलो ऑपरेशन लगाओ क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आर वन में ऑपरेशन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर सबसे पहला में लगाते हैं, क्या हो जाएगा, आर वन वन माइनस थ्री इंटू आर थ्री मतलब जीरो। तो इसका मान कितना आ जाएगा, वन का वन ही रह जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसमें लगाओ, तो आर वन की जगह पे क्या लिखोगे, वन लिखोगे, वन माइनस थ्री इंटू जीरो, आर थ्री का मान यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो यहाँ भी इसका मान वन रह जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे करो, थ्री है ना, तो थ्री माइनस थ्री इंटू आर थ्री, आर थ्री का मान कितना है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे वन लिखो, तो कितना जाएगा, थ्री माइनस थ्री कितना बन जाएगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे है जीरो, तो जब आर टू में जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो इसका भी मान जीरो का जीरो ही रह जाएगा, इसका वन का वन ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस थ्री। देखो यहाँ पे आर टू के जब क्या लिखेंगे, माइनस थ्री लिखेंगे, क्योंकि आर टू का मान कितना है, माइनस थ्री है। उसके बाद प्लस है, तो प्लस थ्री इंटू आर थ्री का मान कितना है, वन, वन इंटू थ्री तो थ्री होगा, देखो माइनस थ्री प्लस थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो वन, इसमें तो कोई चेंजेज होगा नहीं, ठीक। और इधर जो है इसमें भी आपका चेंज हो जाएगा, क्या करेंगे, जब इसको क्या करोगे, आर वन इक्वल टू क्या करेंगे, आर वन माइनस थ्री आर थ्री, मतलब वन माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, वन माइनस थ्री इंटू आर थ्री का मान कितना है, माइनस वन बाई फोर, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो मान निकल के आएगा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैं मान लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या किया, सभी का मान लिख दिया। जब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे इसमें देखो, इसमें जैसे मैं आपको बताया, जब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा जो मान आया कितना जाएगा, सेवन बाई फोर आ जाएगा। देख लो नहीं होता विश्वास तो मैं करके दिखाता हूँ, वन माइनस क्या, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो थ्री बाई फोर हो जाएगा, तो आपके पास फोर एलसीएम चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फोर प्लस थ्री तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेवन डिवाइड बाई फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेवन डिवाइड बाई फोर है, तो मैं इस प्रकार से सभी का कैलकुलेशन करके लिख लिया हूँ, ठीक है। जो देखो रो थ्री हम लोग नहीं लगाए थे ऑपरेशन, तो रो थ्री में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट ऑपरेशन है, क्या करेंगे हम लोग सिंपली, अब इसको जब जीरो बनाएंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो क्या करेंगे इसको जीरो बनाने के लिए, तो आर वन माइनस आर टू करेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, आर टू इक्वल टू क्या करेंगे, वो आर वन में लगाना ना, इस एलिमेंट को जीरो करना है, तो क्या हो जाएगा, आर वन पे लगाएंगे एलिमेंट ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा, आर वन माइनस आर टू। तो करो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिंपली, जितना दिया हुआ है देखो, आर वन में लगाएंगे तो वन माइनस आर टू क्या है, जीरो है, तो वन माइनस जीरो तो वन ही होगा। अब वन माइनस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो तो है ही, उसके बाद ये जीरो है, ये वन है, यहाँ जीरो है ही, देख सकते हो यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो वन, ठीक। उसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे आर वन है पे ऑपरेशन लगाना है, आर वन माइनस आर टू, जब मैं हम लोग क्या करेंगे, सेवन बाई फोर यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेवन बाई फोर को प्लस फाइव बाई फोर करोगे तो यहाँ से आपका मान निकल के आएगा थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही मान इसका लिख लेता हूँ कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। तो देख सकते हो दोस्तों मैं क्या क्या हूँ, डायरेक्ट मैं क्या क्या हूँ, आर वन में से आर टू को मैं घटा दिया हूँ। जब आप आर वन में से आर टू को घटाओगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। उसी तरह से थ्री बाई फोर में से आप जब इसको घटाओगे तो वन आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, सेवन बाई फोर है, ठीक है, इसमें घटाना है किसको, माइनस फाइव बाई फोर को घटाना है, यही घटाना है ना, तो सेवन बाई फोर है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस फाइव बाई फोर हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना है, चार, और क्या आ जाएगा, सात प्लस पाँच कितना आ जाएगा, बारह, बारह डिवाइड बाई चार कितना आ जाएगा, चार या बारह तीन आएगा, तो यहाँ पे देखो तीन आया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये इधर जो हमारा है वो क्या बन गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, मतलब वन 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 डायगोनल एलिमेंट है, उसके अलावा सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब हमारा जो ए इनवर्स बना है यहाँ पे, तो कितना आया, ए इनवर्स इक्वल टू आपका आंसर जो आया है वो कितना आया, थ्री माइनस फाइव बाई फोर माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर
थ्री बाय टू, ठीक है, माइनस थ्री बाय फोर, माइनस वन बाय फोर, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ए इनवर्स का मान, ये आपका आंसर हो गया। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।